कामिनी कौशल। हिंदुस्तानी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, पिछले 76 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। लीड हीरोइन के तौर पर फिल्मों में करियर शुरू करने वाली कामिनी कौशल 5 पीढ़ियों के कलाकारों संग काम कर चुकी हैं और अब दादी नानी के किरदार निभाती हैं। किस्सा टीवी पर आज कही जाएगी कामिनी कौशल की कहानी। कामिनी कौशल की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प और रोचक बातें आज हम और आप जानेंगे। कामिनी कौशल जी का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत के लाहौर शहर में। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था उमा कश्यप। उमा कश्यप से ये कामिनी कौशल कैसे बनी, ये कहानी हम आगे जानेंगे। कामिनी कौशल का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। इनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। 5 भाई बहनों में कामिनी सबसे छोटी थी। कामिनी कौशल का परिवार एक आधुनिक विचारधारा वाला परिवार था। इनके माता पिता बचपन से ही काफ़ी सपोर्टिंग नेचर के रहे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को जीवन में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। कामिनी 10-12 साल की ही थी जब इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके बड़े भाई जो पेशे से सर्जन थे, उन्होंने ही इनके परिवार को संभाला था। कामिनी बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती रहती थी। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने रेडियो नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। फिर रेडियो नाटकों का ये सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा। कामिनी कौशल कॉलेज में ही थी जब इनके पास पहली दफ़ा एक्टिंग करने का ऑफर गया, लेकिन कामिनी जी ने यह ऑफर ठुकरा दिया। यह बात सन 1946 की है। दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। वो एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म के लिए नए कलाकारों की तलाश कर रहे थे। और चूंकि चेतन आनंद की जान पहचान कामिनी कौशल के भाई से बहुत बढ़िया थी, तो वो कामिनी कौशल को भी अच्छी तरह से जानते थे। चेतन को पता था कि कामिनी कौशल रेडियो नाटकों में काम करती हैं। चेतन ने एक दिन कामिनी को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि कामिनी भी उस फिल्म में काम करें। चूंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करने वालों को भारत में बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, तो कामिनी ने चेतन की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। ये बात जब कामिनी जी के भाई को पता चली तो उन्होंने कामिनी जी को समझाया कि फिल्मों में काम करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते तुम सही रहो। भाई के ये बात कहने पर कामिनी कौशल उस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। उस फिल्म का नाम था नीचा नगर। यूं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता नहीं हासिल कर सकी थी, लेकिन प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जरूर मिला था। जहां एक तरफ नीचा नगर को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिले अवार्ड ने कामिनी कौशल को शोहरत दिला दी थी, तो वहीं उसी वक्त हुए देश के बंटवारे ने इनके मन को कई गहरे घाव दे दिए। कामिनी कौशल को लाहौर का अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। देश के बंटवारे ने कामिनी को अंदर तक घायल कर दिया था। कामिनी का अगला ठिकाना बना मुंबई शहर। मुंबई आने के बाद कामिनी कौशल की जिंदगी में कई नाटकीय उतार चढ़ाव आए। कामिनी की बड़ी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। मजबूरी में कामिनी के परिवार वालों ने उनकी शादी उनकी बहन के पति से करा दी। इस दौरान कामिनी कौशल को कई फिल्मों के ऑफर्स भी आए थे, लेकिन फिल्मों को कभी सीरियसली ना लेने वाली कामिनी कौशल ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। मगर जब एक दफ़ा दिग्गज निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पास अपनी फिल्म जेल यात्रा का ऑफर लेकर आए, तो इन्होंने वो ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। और वो इसलिए क्योंकि कामिनी गजानन जागीरदार की ही फिल्म राम शास्त्री देख चुकी थी और उन्हें वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इस तरह जेल यात्रा कामिनी कौशल के करियर की दूसरी फिल्म बनी और यही फिल्म शोमैन राज कपूर की पहली फिल्म भी थी। कामिनी कौशल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आग, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, आरजू, बिरज बहू, बड़े सरकार, जेलर,
शहीद, ये कुछ वो फिल्में हैं जिनमें कामिनी कौशल ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। फिर बदलते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने खुद को चरित्र किरदारों की तरफ मोड़ लिया। कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। एक वक्त वो भी था जब दिलीप कुमार कामिनी कौशल से मोहब्बत करने लगे थे। हालांकि उस मोहब्बत का कोई मुकाम कभी था ही नहीं, मगर दिलीप कुमार हमेशा ये बात कहते रहे कि उनकी पहली मोहब्बत कामिनी कौशल ही थी। 90 के दशक में कामिनी कौशल ने दूरदर्शन पर बच्चों के लिए कुछ कठपुतली शोज भी बनाए थे और इसके लिए कामिनी कौशल ने बाकायदा लंदन के एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी ली थी। गुजरते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने फिल्मों में दादी नानी के किरदार निभाने शुरू कर दिए। 2013 में आई शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस में कामिनी जी ने उनकी दादी का किरदार दिया था। उसके बाद 2014 में आई आमिर खान की पीके में भी कामिनी कौशल एक छोटे से किरदार में नजर आई थी और 2022 में आई आमिर खान की ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी कामिनी कौशल कुछ सीन्स में हमें दिखाई देती हैं। कामिनी कौशल जी की उम्र अब 95 साल हो चुकी है और इस उम्र में भी कामिनी कौशल जी की जिंदा दिली में कोई कमी नहीं है। कामिनी कौशल जी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक दफा में उनके बारे में सब कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कामिनी कौशल की अनसुनी कहानियों से जुड़ी एक पेशकश लेकर किस्सा टीवी भविष्य में फिर हाजिर होगा। किस्सा टीवी ईश्वर से कामिनी कौशल जी की अच्छी सेहत की प्रार्थना करता है। कामिनी कौशल जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना जो योगदान दिया है उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।